अंबानी से पंगा लेने की हिम्मत आज तक बॉलीवुड में कोई नहीं कर सका, लेकिन पहली बार किसी ने अंबानी की शादी पर निशाना साधा है। आलिया ने अंबानी के बेटे की शादी को सर्कस कह दिया है। इस बयान को सुनकर हर कोई शॉक्ड है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। मार्च में जामनगर में दोनों की प्री वेडिंग हुई थी, जिसमें देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी हस्तियां पहुंची थीं। इस फंक्शन में बॉलीवुड स्टार्स ने परफॉर्म किया था। वहीं हाल ही में अनंत राधिका की संगीत सेरेमनी हुई, जिसमें जस्टिन बीबर ने परफॉर्म किया। अनंत राधिका की शादी से पहले हल्दी की रस्म भी निभाई गई, जिसमें बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटी शामिल हुए। लेकिन इस बीच अंबानी की वेडिंग पर अनुराग कश्यप की बेटी आलिया कश्यप ने निशाना साधा है। आलिया को अंबानी की शादी का इनविटेशन मिला था, लेकिन वो किसी भी फंक्शन में शामिल नहीं हुई। अब आलिया ने न सिर्फ अंबानी को टारगेट किया है, बल्कि उनकी वेडिंग को सर्कस तक कह दिया है। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, अंबानी की शादी इस समय शादी नहीं बल्कि एक सर्कस बन गई है। मुझे हर चीज पर नजर रखने में मजा आ रहा है। मुझे कुछ फंक्शन में इनवाइट किया गया था, क्योंकि जाहिर तौर पर वो पीआर कर रहे थे। मुझसे मत पूछो क्यों, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि मेरे पास किसी की शादी के लिए खुद को समर्पित करने से ज्यादा आत्मसम्मान जरूरी है। मुझे लगता है कि अमीर लोगों की जिंदगी बहुत अट्रैक्टिव है। उन्हें लगता है कि ओ, हमारे पास एक्स्ट्रा मनी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि अंबानी के बेटे की शादी को ट्रेंड कराने के लिए कुछ पीआर एजेंसियों को हायर किया गया है। इतना ही नहीं, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के जरिए अनंत राधिका की शादी को हर तरफ ट्रेंड कराने की कोशिश भी की जा रही है। वेल, आप क्या कहेंगे इस पर? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए। और ज़्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।